दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेहा कुकिंग स्टाइल में एक और नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, आज की रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल दाल। तो चलिए दोस्तों, बने रहेगा वीडियो में एंड तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ के लिए अपडेट रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, ढाबा स्टाइल दाल बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे अरहर और मलका की दाल को इस तरीके से पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे कुकर में 1 से 2 चम्मच घी रख लिया है। तो दाल को अच्छे से इसमें फ्राई कर लेना है इस तरीके से। हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, कड़छी की सहायता से इसको चलाते जाएंगे ताकि दाल जो अच्छे से फ्राई हो जाए। एंड उसके बाद इसमें 1 से 2 चम्मच हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे। एंड उसके बाद इसमें पानी ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, पानी ऐड करने के बाद हम इसको ढक्कन लगा के इसमें 2 से 3 सीटी लगा देंगे। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे छोटे छोटे पीस में ओनियन को चॉप कर लिया इस तरीके से। हमने टमाटो को चॉप कर लिया है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे लहसुन को इस तरीके छोटे पीस में कट कर लिया है। दोस्तों, यहाँ दाल उबल के रेडी हो चुकी है। उसके बाद हमने कढ़ाई पर ऑयल रख लिया है, मस्टर्ड ऑयल। एंड उसके बाद हम इसमें जीरा एंड लहसुन को फ्राई कर लेंगे। एंड उसके बाद इसमें हम ओनियन फ्राई कर लेंगे। किसी कड़छी की सहायता से इसको चलाते जाएंगे ताकि हमारा ओनियन जो अच्छे से फ्राई हो जाए। एंड उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच हल्दी ऐड कर लेंगे। एंड उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। तरीके से इसको कच्चे के साथ से चलाते जाएंगे, टमाटर को अच्छे से पकने देंगे। तो दोस्तों, अब इसको यहाँ पे टमाटर भी यहाँ पे पक के रेडी हो चुका है। उसके बाद इसमें हमने 2 से 3 हरी मिर्ची डाल ली है बीच में से कट करके। उसके बाद हम इसमें दाल ऐड कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हम कड़छी की सहायता से इसको चलाते जाना है ताकि मसाले जो है दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे साबुत धनिया ले लिया है और कसूरी मेथी, इसको अच्छे से तवे पे फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसको मसाला डालने में अच्छे से कूट लेंगे। एंड यहाँ पर साथ ही साथ दाल को भी चलाते जाएंगे। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर दूसरा सॉस पैन ले लिया है, उसमें हमने ऑयल डाल लिया है। एंड उसके बाद जो हमने साबुत धनिया कसूरी मेथी कूटी हुई थी उसको इसमें फ्राई कर लेना है ऑयल में, एक अच्छा सा तड़का रेडी कर लेना है दाल के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर दाल के लिए तड़का रेडी हो चुका है। एंड उसके बाद हमने इसको दाल में ऐड कर लिया है। एंड उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे
तो दोस्तों साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक कोयला ले लिया है उसको स्मोकिंग के लिए, ताकि दाल में जो अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। एंड उसके बाद इसमें घी डाल लिया है उसको ढक के रखने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी दाल बन के यहाँ पे रेडी हो चुकी है, ढाबा स्टाइल तड़का दाल। तो दोस्तों आप भी इस तरीके की रेसिपी अपने घरों में एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। तो दोस्तों रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।